नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी, अब है न्यूज के 24 अक्टूबर रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाए कम कीमत पर मकान, जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। हसीना मान जाएगी फिल्म में आपने परेश रावल का वह डायलॉग तो सुना ही होगा कि चाचा ही भतीजा है और भतीजा ही चाचा है। कुछ ऐसे ही किरदार से शनिवार रात महाकाल पुलिस की मुलाकात हुई। चेक बाउंस के मामले में फरार एक वारंटी को घेरने के लिए जमानतदार को पकड़ने गई पुलिस के हाथ वारंटी ही लग गया। दरअसल अपराध की ये कहानी बहुत ही रोचक है। हाट पिपलिया के रहने वाले रामेश्वर पाटीदार पिता देवी सिंह ने धोखाधड़ी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया है। वह खुद को रहमतुल्लाह बताता है। बैंकों पेड़ियों से कर्ज लेने के लिए वह अपने हिंदू नाम का इस्तेमाल करता है। इस तरह वह कई पेड़ियों और बैंकों को चूना लगा चुका है। रहमतुल्लाह ने चांद बी से शादी की है। जालसाज रामेश्वर पाटीदार ने लोगों को चेक भी दे रखे हैं और इनमें से अधिकतर बाउंस हो चुके हैं। ऐसे ही एक बाउंस चेक के मामले में 2007 में उसका वारंट जारी किया गया था। इस मामले में उसने पहले जमानत ले ली थी, तब उसकी ही पत्नी चांद बी ने जमानत दी थी। मजेदार बात यह है कि पुलिस ने उस समय चांद बी और रामेश्वर के रिश्तों की पड़ताल ही नहीं की और इस तरह पत्नी की जमानत पर रामेश्वर उर्फ रहमतुल्लाह बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने तारीखों पर जाना छोड़ दिया। इसका नतीजा यह रहा कि उसका स्थायी वारंट जारी हो गया। महाकाल पुलिस ने वारंट तामीली की कोशिश की तो ढांचा भवन में रहने वाला रामेश्वर मकान खाली कर गायत्री नगर बाफना पार्क में रहने चला गया। शनिवार को पुलिस बतौर जमानतदार चांद बी को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन घर पर रहमतुल्लाह बना रामेश्वर पाटीदार मिल गया। फिर क्या था, पुलिस रहमतुल्लाह उर्फ रामेश्वर पाटीदार को धर लाई। फिलहाल रामेश्वर महाकाल पुलिस की हिरासत में है, उसे सोमवार को कोर्ट पेश किया जाएगा। दो दिन पहले महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस ने अन्य क्षेत्र कर्मचारी निनाद काले को हिरासत में लिया है। काले ने ही सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कराई है। उसके गार्ड की पत्नी से अवैध संबंध थे, इसका विरोध गार्ड करता था। गौड़ बस्ती के निवासी दिनेश मराठा की शुक्रवार रात चारधाम मंदिर के पास चाकू से गौद कर हत्या कर दी गई थी। दो युवकों ने ड्यूटी से लौटते वक्त उसे चाकू मारे थे। पुलिस इस मामले को सुलझाने के करीब पहुंच गई है। दरअसल महाकाल अन्य क्षेत्र के कर्मचारी निनाद काले पर हत्या का शक है। इसकी वजह है काले और मराठा की पत्नी के बीच के संबंध। मराठा की पत्नी कुछ समय पहले तक महाकाल मंदिर में ही काम करती थी, इसी दौरान उसका काले से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। सूत्रों के मुताबिक काले की निगाह मराठा की बेटी पर थी। इसी एंगल पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश के 20 जिलों के लठित लोक माने तिलक स्कूल में लाठियां चला रहे हैं। पारंपरिक लाठियों की जगह प्लास्टिक की लाठियों पर हाथ आजमाया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश लाठी संघ ने पारंपरिक लाठी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। दो दिनी प्रतियोगिता शनिवार से शुरू हुई है। इसमें प्रदेश के 20 जिलों के खिलाड़ी आए हैं। ये लाठियों पर बढ़ चढ़ कर दाव लगा रहे हैं। पारंपरिक लाठी संघ के अरविंद जोशी ने बताया कि पूरे प्रदेश से खिलाड़ी आए हैं। लाठी चालन सिखाने का मुख्य मकसद लोगों को आत्मरक्षा सिखाना है। जोशी के मुताबिक लाठी चलाने से हर अंग का व्यायाम होता है। स्पर्धा में 6 साल के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के लोग शामिल हुए हैं। जोशी के मुताबिक आंध्र प्रदेश में दिसंबर में लाठी प्रतियोगिता होगी। यहां से चुने गए बच्चे राष्ट्रीय स्पर्धा में शामिल होंगे। ये पारंपरिक लाठी खेल महासंघ मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता महाकाल की नगरी उज्जैनी में कल दिनांक 23 से प्रारंभ हुआ है। कल इसका उद्घाटन समारोह था, आज इसका समापन समारोह है। दोपहर 3 बजे यहाँ पर मध्य प्रदेश के 20 जिलों से यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं। शहडोल है, उमरिया है, ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर, उज्जैन आदि जिलों के यहाँ पर खिलाड़ी बालक और बालिका यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों से माता और बहनें नगर के जो लोग हैं उनको आग्रह करूँगा कि कृपया वो आएँ और इस प्रोग्राम को देखें ताकि आपको एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कालिदास अकादमी में शनिवार की रात गरबे का खूब रंग जमा। फिल्मी धुन पर वेल ड्रेसेस में युवाओं ने जमकर गरबा किया। अकादमी परिसर में गरबा देखने और खेलने के लिए भारी भीड़ मौजूद थी। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। गरबे के लिए कालिदास अकादमी का मुक्ताकाशी मंच और परिसर पूरी तरह भरा हुआ था। हाल ये था कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े थे। श्रेष्ठ गरबा करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया।
कोविड के कारण शासन ने बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी है, लेकिन कालिदास अकादमी में इसका पालन होता नहीं दिखा। लोग एक दूसरे से सटे नजर आए। भीड़ इस कदर थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के तय मानकों का पालन बिल्कुल नहीं हुआ। इस सब के बीच गरबा आधी रात तक जारी रहा। एमपी आर्टिलरी बटालियन के 122 बच्चों ने 10 दिन तक हथियार चलाना सीखा। देवास रेंज में उन्होंने चांद मारी की ओर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। दरअसल दो एमपी आर्टिलरी बटालियन ने माधव साइंस कॉलेज और माधव आर्ट्स कॉलेज के कैडेट्स का 10 दिवसीय कैंप आयोजित किया था। इसमें बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। देवास रेंज में 22 राइफल से कैडेट्स को ट्रेनिंग दी गई। बच्चों ने भी हथियार पर खूब हाथ आजमाया। रविवार को 10 दिनी कैंप का समापन बटालियन ऑफिस में किया गया। कमांड अधिकारी आरडी शर्मा ने बताया कि बच्चों ने हथियार चलाना सीखा। यह सालाना कैंप था, इसमें बड़ी संख्या में कैडेट्स शामिल हुए। आज 10 दिवसीय एनसीसी कैंप का एक समापन हुआ है, जिसमें तकरीबन 130 बच्चों ने माधव आर्ट्स कॉलेज और माधव साइंस कॉलेज के 130 बच्चों ने भाग लिया है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स कैडेट दोनों हैं। और इस 10 दिन के प्रोग्राम में हमने इनको फायरिंग करवाई देवास ले आके बच्चों को, और हमने इनको हथियारों का प्रशिक्षण दिया और सारे मिलिट्री सब्जेक्ट्स के बारे में इनको जानकारी दी। और बच्चे काफ़ी खुश हैं, और ये हमारा सालाना कैंप था जो करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था ताकि ये एग्ज़ाम में बैठ सकें। संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के मुख्य आतिथ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 5 दिवसीय विक्रमोत्सव 2021 का शुभारंभ कालिदास अकादमी में शाम 7 बजे होगा। गणनायक की स्तुति स्वरूप चित्र प्रदर्शनी के साथ विक्रमोत्सव भी होगा। विक्रमोत्सव में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य को डिजिटल तकनीक से प्रस्तुत किया जाएगा। विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने बताया कि विक्रमोत्सव 21 में 3 चित्र प्रदर्शनी, 4 नाट्य प्रस्तुतियां एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। महाराज विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा प्रकाशित 7 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। कालिदास अकादमी में नाट्य सम्राट विक्रमादित्य की नए स्वरूप में प्रस्तुति होगी। खातेगांव तहसील के हरण गांव में स्कूल की खराब सड़क को सुधरवाने के लिए विद्यार्थी और पालक सड़क पर उतर गए। 1 घंटे तक उन्होंने चक्का जाम किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही खातेगांव जनपद पंचायत की सीईओ अंकिता अलावा भी मौके पर पहुंची और सुधार का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि स्कूल पहुंच मार्ग पर पक्की सड़क नहीं है, इस वजह से कीचड़ और दलदल रहता है। इस मार्ग पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है। कई बार शिक्षक एवं छात्राएं भी मोटरसाइकिल से दलदल और कीचड़ में गिरते हैं। बरसों से मार्ग की दुर्दशा पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहा। इसी सड़क पर हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने से समस्या और विकराल हो गई। 7 अक्टूबर को ही स्कूली बच्चों ने तहसीलदार खातेगांव को ज्ञापन देकर चेतावनी दी थी कि यदि पक्की सड़क नहीं बनती है तो चक्का जाम और आंदोलन किया जाएगा। उसी कड़ी में चक्का जाम और आंदोलन किया गया। हरणा गांव से लगा के मेन रोड से जो हाई सेकेंडरी जो स्कूल बनी 2 किलोमीटर तक का अच्छा रास्ता, जिसमें कीचड़ गोड़े गोड़े कीचड़ में जाकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता। कई बार जनप्रतिनिधियों की हमने सूचना करी, कई बार प्रशासन तक के लोगों तक अभी तक आवाज पहुंचाई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई भी समस्या निराकरण नहीं हुआ। इसलिए आक्रोशित होकर छात्र छात्राएं और यहाँ के जो परिजन थे उन परिजनों आज चक्का जाम किया। तब तक यहाँ पे कोई वरिष्ठ जिला के जो अधिकारी नहीं आते तब तक चक्का जाम नहीं हटेगा, हम निश्चित काल के लिए यहाँ पे बैठे। पाकीज़ा, आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट सूट, जोधपुरी नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मेर मार्ग फ्रीगंज उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन।
आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।